दोस्तों, आपको मैं इस कहानी में बताऊंगा कि आपकी वैल्यू क्या है। ये कहानी पढ़कर आपको जरूर बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा, मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। इस बात पर उसके पापा ने उसको एक पत्थर दिया और कहा कि तुम इस पत्थर को बाजार में बेच कर आओ, मगर जब कोई तुमसे इस पत्थर का प्राइस पूछे तो तुम कुछ मत कहना, बस अपनी दो उंगली दिखा देना। लड़के ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसके पापा ने बोला था। वो बाजार में जाकर पत्थर लेकर बाजार में बैठ गया। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आई और उसने बच्चे से पूछा कि इस पत्थर की कीमत क्या है। तो उस बच्चे ने कुछ जवाब नहीं दिया और उसने बस अपनी दो उंगली दिखा दी। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, मैं तुम्हें इस पत्थर की कीमत 200 रुपये दे सकती हूँ। ये लो 200 रुपये और मुझे ये पत्थर दे दो। ये सुनकर लड़का चौंक गया और जाकर अपने पापा को बोला, पापा, मुझे एक बूढ़ी औरत मिली थी जो इस पत्थर के 200 रुपये देने को तैयार थी। इसके बाद उस लड़के के पिता ने कहा, कल तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना। अगले दिन सुबह लड़का उस पत्थर को एक म्यूजियम में लेकर गया। तभी वहां पर एक आदमी आया और उसने कहा, बेटा, ये पत्थर कितने का है? लड़के ने अपनी दो उंगली दिखा दी। फिर उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं तुमको इस पत्थर के 20,000 रुपये दे सकता हूँ। यह सुनकर लड़का चकित हो गया और फिर अपने पापा के पास गया और बताया कि एक आदमी मुझे इस पत्थर के 20,000 रुपये देने को तैयार था। फिर उसके पिता ने कहा, बेटे, कल तुम इस पत्थर को पुराने जमाने के पत्थर बेचने वाले की दुकान पर लेकर जाना। अगले दिन लड़के ने वैसा ही किया और वो एक एंटिक सामान बेचने वाली दुकान पर गया। वहां दुकान पर पत्थर रखकर बैठा था। तभी वहां पर एक बहुत अमीर आदमी आया और उसने पत्थर को देखा और पूछा, बेटा, ये पत्थर कितने का है? तो उस लड़के ने अपनी दो उंगली दिखा दी। फिर उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं कब से ऐसे पत्थर को ढूंढ रहा था, मैं तुमको इस पत्थर के 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। यह सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ और उस पत्थर को लेकर अपने घर चला गया। फिर उसे अपने पापा से ये सारी बात बताई। तब उसके पापा ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारी कीमत क्या है ये सिर्फ तुम जानते हो। अगर तुम अपने आप को सस्ती जगह पर बेचोगे तो तुम्हें सस्ते में ही खरीद लेंगे। इसलिए अपने आप को उस जगह जाकर बेचो जहाँ तुम्हारी कीमत अच्छी मिल सके। तो दोस्तों, यही हमारे जीवन में भी होता है। कभी कभी हम जहाँ पर काम करते हैं वह बहुत काम करते हैं, लेकिन हमारे काम की हमें सही कीमत नहीं मिलती, क्योंकि हम उस जगह पर हैं जहाँ पर हमारी कीमत ही नहीं लगाई जा रही। जैसे उस बुढ़िया ने उस पत्थर की कीमत 200 रुपये लगाई थी। इसके लिए हमें उस जगह पर जाना होगा जहाँ हमारे उसी काम की भरपूर कीमत मिल सके, जैसे उसी पत्थर की कीमत एंटिक दुकान पर 2 लाख रुपए हो गई थी। लेकिन पत्थर एक ही था पर कीमत अलग-अलग, सिर्फ जगह का फर्क और कीमत 100 गुना थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि उनको भी मोटिवेशन मिल सके।